हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नुरशेद क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए आज मैं एक प्यारा सा कविता लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्यारी चिड़िया, यानी चिड़िया के बारे में कविता है। इसको समझने से पहले हम लोग जो इसका शब्द अर्थ है इसको पहले समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। शब्द अर्थ क्या है, हिंदी वर्ड मीनिंग क्या है कि अच्छी अच्छी माने क्या होता है, सुंदर, अच्छी मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, साथी मतलब मित्र यानी फ्रेंड, झरोखा माने रोशनदान, इसको हम झरोखा कहेंगे यानी खिड़की कह सकते हो, तिनका मतलब तिनका तिनका, घास का छोटा टुकड़ा, घास का छोटा टुकड़ा होता है उसको तिनका कहते हैं, बहलाना मतलब किसी को खुश करना, प्रसन्न करना, जगह मतलब स्थान स्थान, घोंसला मतलब चिड़ियाघर, घोंसला माने क्या, चिड़ियाघर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कविता को समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा कविता है, कविता क्या नाम है इस कविता का, नाम आपको बोल दें कि प्यारी चिड़िया। इस कविता का नाम है बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारी चिड़िया। इस कविता का नाम है प्यारी चिड़िया। इसमें आपको चिड़िया के बारे में बताया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे अच्छी, कह रहा है कि सबसे अच्छी तुम हो चिड़िया, प्यारी प्यारी साथी, कितनी अच्छी लगती हो जब तिनका तिनका लाती। ये दो बच्चे हैं, जैसे ये भाई है और ये बहन है, लेकिन ये दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे क्या कर रहा है चिड़िया के बारे में, क्या कह रहा है कि सबसे अच्छी तुम हो चिड़िया, यानी सबसे जो अच्छे है कि नहीं वो कौन है चिड़िया को, ये लोग कह रहा है कि सबसे अच्छी तुम हो चिड़िया और कोई अच्छा नहीं है, सबसे अच्छी तुम हो चिड़िया, सबसे अच्छी तुम हो चिड़िया, प्यारी प्यारी साथी, और तुम ही सबसे अच्छा और प्यारा प्यारा साथी हो, यानी प्यारी प्यारी साथी हो मेरा, एकदम सबसे साथी मित्र जो हो कि नहीं तुम ही हो, कितनी अच्छी लगती हो तुम, कितनी अच्छी लगती हो, कितनी बढ़िया लगती हो, कितनी सुंदर लगती हो, कब जब तिनका तिनका लाती, कब तुम सबसे अच्छी लगती हो, सबसे अच्छी कब लगती हो, जब तुम तिनका लाती हो, जब तुम घास के छोटे छोटे टुकड़े को लाती हो तब तुम सबसे अच्छी लगती हो, ये चिड़िया को कह रहे, ये दोनों बच्चे कह रहे हैं। आगे कह रहे, आती बैठ झरोके में फिर रखती तिनका जाती, मटक मटक कर कुदक कुदक कर मन सबका बहलाती, कह रहे आती बैठ झरोके में, इसको हम झरोखा कहेंगे, आती बैठ झरोके में फिर रखती तिनका जाती, यानी ये चिड़िया है ना, ये झरोखा में आता है, झरोखा में आकर क्या करते हैं तिनका को रख देता है, रख जाती और रख कर भी क्या होती है, ये फिर उड़ कर चले आती, मटक मटक कर कुदक कुदक कर मन सब का बहलाती, जब ये मटकता है, ये कुदकता है, फुदकता है, ऐसे करता है कि नहीं, तो क्या करता है ये मन सबका, मन को बहलाती है, सबको ये खुश कर देते हैं, चाहे ये दोनों बच्चे के हो, चाहे इसके कोई माता पिता हो, किसी को भी ये क्या कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, खुश कर देते हैं। आगे पंक्ति को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं, जब तुम उड़ती लगता हम भी, जब तुम उड़ती लगता हम भी साथ उड़ जाते, बैठे बैठे उसी जगह पर कहाँ कहाँ हो आते, ये कह रहा है कि जब तुम उड़ती लगता हम भी साथ उड़ जाते, कह जब तुम उड़ते हो ना तो हमको भी लगता है कि हम भी क्या कर जाते, आपके साथ साथ उड़ जाते, आपके साथ भी आसमान में उड़ जाते, आपके साथ भी कहीं और दुनिया को हम घूम आते, ये दोनों बच्चे कर रहे हैं, बैठे बैठे उसी जगह पर कहाँ कहाँ हो आते, हम तो उसी जगह पर बैठे हैं जहाँ हैं वहीं है, लेकिन तुम कहाँ कहाँ हो आके आते हो, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस राज्य, कभी उस राज्य से तुम घूम घाम के आ जाती हो, बना घोंसला घर में लेकिन कुछ ही दिन रह पाती, हमें अकेला छोड़ कहाँ पर जाने फिर उड़ जाती, कह रहा है बना घोंसला घर में, लेकिन जब तुम घोंसला जो घर पर बनाते हो ना, झरोखा में जो बनाते हैं, कुछ ही दिन रह पाता, ये हमेशा के लिए रह पाता नहीं, क्योंकि आंधी आता है, तूफान आता है, तो फिर ये उड़ जाता है, पानी आता है, ख़त्म हो जाता है, कुछ ही दिन रह पाती है, हमें अकेला छोड़ कहाँ, फिर लोग जब वर्षा का टाइम आता है या कहीं होता है तो ये लोग को छोड़ देता है, फिर ये लोग को अकेला छोड़ कर ये चिड़िया कहीं और चले जाता है, जहाँ इसको घोंसला बनाने का जगह मिलता है, जहाँ ये इसको वर्षा से बचने का जगह मिलता है, फिर ये चिड़िया वहाँ उड़ कर चले जाते हैं, हमें अकेला छोड़ कहाँ पर जाने फिर उड़ जाती है, फिर ये लोग अकेला छोड़ देता है, फिर चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कविता कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।